अस्सलाम वालेकुम। आज मैं न्यू रेसिपी लाई हूँ, शलजम आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। बहुत टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी, बनकर बहुत अच्छी तैयार होती है। तो मैं आधा किलो शलजम ली हूँ, इसे धोकर काटूँगी। इस तरह से काटी हूँ और इसमें आलू मिला रही हूँ। इसे बॉईल करना है। पानी गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें बॉईल करूँगी। नमक डालूंगी, हाफ टी स्पून है। अब इसे बॉयल होने दूंगी, बस ज़्यादा नहीं पकाना है, दो तीन बॉयल हो जाए फिर इसे मैं पानी से छान लूंगी। देखिए बॉयल हो चुका है, अब मैं इसे छान लूंगी। फिर मैं इसे फ्राई करूंगी। दो टेबल स्पून तेल डालिए, अब इसमें फ्राई करूंगी। हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालकर इसे फ्राई करूंगी। कलर बहुत अच्छे आते हैं। बहुत मज़ेदार ये सब्ज़ी बनती है, हम सबको बहुत पसंद है। और ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब कुकर चढ़ाऊंगी। कुकर में सरसों तेल डालूंगी 4 चम्मच। अब इसमें मैं एक छोटे साइज़ का प्याज को लाल करूंगी। अब इसमें 2 प्याज को डालूंगी स्लाइस किया हुआ है, और इसे भी थोड़ा सा भूनूंगी। फिर टमाटर डालूंगी, 1 टमाटर है बड़े साइज़ का। अदरक लहसुन का पेस्ट है 1 चम्मच। इसे हल्का सा भून लूं। फिर नमक डालूंगी 1 चम्मच, हल्दी 1 चम्मच, 1/2 चम्मच मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच। सब डाल के भूनूंगी। भुना चुका, अब इसमें गरम पानी डालूंगी और 2-3 सीटी लगाऊंगी कवर करके। तीन सीटी हो चुके हैं, अब मैं खोल के देख रही हूँ। बहुत अच्छा मसाला गल चुके हैं हमारे। अब मैं इसमें सब्ज़ी डालकर भूनूंगी। दो मिनट आपको भूनना है अच्छी तरह। अब इसमें काली मिर्च पाउडर डालूंगी 1/2 टी स्पून और गरम मसाला 1/2 टी स्पून। बहुत ज़बरदस्त सब्ज़ी बनकर तैयार होती है, बहुत टेस्टी लगती है। आप रोटी चावल सबके साथ खा सकते हैं। अब मैं गरम पानी डाल रही हूँ, अब इसे कवर करूँगी 2 सीटी आने तक। देखिए सब्ज़ी हमारी रेडी हो चुकी है। गाइज़ मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा मेरी रेसिपी कैसी लगी। मैं सर्व करके दिखा रही हूँ, बहुत मज़ेदार सब्ज़ी बनी है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।